स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए आज हम लोग छह कली का पेटीकोट बनाए जाए। छह कली का पेटीकोट बहुत ही अच्छा और बहुत ही पहनने में आराम मिलता है, घेरा उसमें ज़्यादा बनता है। तो चलिए अब जो है नाप लेने का तरीका बताने जा रही हूँ। सबसे पहले कमर का नाप लिया जाएगा, फिर लंबाई का नाप लिया जाएगा। तो चलिए अब कमर का नाप लें। कमर का नाप 40 है। सैंतीस इंच लंबा है और कमर 40 इंच है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कपड़े पर काटने की विधि बता। चलिए अब कटिंग शुरू करते हैं। ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है और इसको मैं पहले ऐसे मोड़ के इस तरह से दोनों आर्च को मिला के, इधर का भी आर्च इधर का भी आर्च ऐसे मिला लिया जाएगा। अब मिलाने के बाद से ये 5.5 इंच का हम नेफा निकालेंगे, जिसमें कि आधा इंच इधर सिलाई आधा इंच इधर सिलाई, बाकी मेरा नेफा की चौड़ाई बच जाएगा। तो अब हम निशान लगाते हैं। अब देखिए ऊपर से खुले की तरफ ये मेरा किनारी का तरफ किनारी है और ऐसे लंबाई के तरफ से अब ये हम निशान लगा देंगे। देखिए 5 इंच का निशान हम लगाएंगे और आधा इंच और मार्जिन रखेंगे सिलाई से। 3 जगह निशान लगाएंगे 5.5 का। देखिए यहाँ भी लगा दिए और यहाँ भी। अब इसको काट के अलग कर दिया जाएगा। सबसे पहले ये नेफा का कपड़ा ये हमारा अलग हो गया। अब इस कपड़े को खोल कर ऐसे खोल दिया जाएगा और इसको इस तरफ से मोड़ लिया जाएगा, क्योंकि ये कपड़ा मेरे पास लंबाई के बराबर है ही ये कपड़ा। ये ऐसे अब इसकी लंबाई भी हम नाप लेंगे कितना लंबाई है। कपड़ा मेरे पास बचा है, दोनों को मिला के और ऐसे हम आज की तरफ से ऐसे हम नाप लेंगे कपड़े को। क्योंकि ये मेरे पास कपड़ा ये कुल लंबाई मेरे पास 37 इंच बचा है, जिसमें हम ये 2 इंच नीचे मोड़ेंगे और ये जो है ये मोड़ के जब ऊपर लगाएंगे तो लंबाई पूरी हो जाएगी हमारी। अब इसमें से हमको डोरी के लिए 1.5 इंच का कपड़ा ये बगल से अर्ज की तरफ से ये हम डोरी के लिए कपड़ा निकाल देंगे। तो 1.5 इंच डोरी के लिए निकाल देंगे और नेफे में थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो एक इसमें से कपड़ा नेफे में जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आप दोनों कपड़े को बराबर हम कर लिए हैं और कपड़ा बराबर है इधर से भी और इधर से। अब इस कपड़े को एक बार हम जैसे 4 कली का बनाते हैं तो कपड़े को खोल के बनाते हैं, एक यहाँ से लगाते हैं कली और एक कली इधर से लगाते हैं। लेकिन अब 6 कली का जब हम बनाएंगे तो इसको ऐसे फिर डबल फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ये इसको डबल फोल्ड हो गया, ये ऐसे डबल कपड़े को डबल फोल्ड कर देंगे। अब 4 कली में तो हमको चौथाई निकालना रहता है, क्योंकि 4 ही जो है कपड़े को बराबर करके अब यहाँ से हाँ देखिए फ्रेंड्स ये कट के तैयार हुआ पूरा। ये कटिंग कर लिए, यहाँ हम 7 इंच लिए हैं और 1.5 इंच लिए हैं और वहाँ 3.5 इंच लिए हैं और 1.5 इंच। अब इसको हम एक दूसरे को मिलाएंगे, पलट देंगे इसको। अब देखिए ये कैसे मिलाया जाएगा, ये देखिए इसको ऐसे खोल दिया जाएगा। अब देखिए इसकी चौड़ाई बहुत बढ़ जाती है और घेरा बहुत अच्छा इसमें निकलता है। देखिए इसको ऐसे कर दिए और अब इधर से जो तिरछा वाला भाग हमारा है जैसे इस पल्ले का, उस तिरछे वाले भाग को हम इसमें मिलाएंगे।
देखिए ये तिरछा वाला भाग है, ये इसमें चल जाएगा। और ये तिरछा वाला भाग मेरा जो है, देखिए ये सीधा भाग है किनारी वाला, और ये तिरछा भाग है। और इस तिरछे भाग को इसमें पकड़ के हम सिलाई करेंगे। अब इसको जब मैं सिलाई कर ले रही हूँ तब आपको देखिए घेरा बहुत ज़्यादा निकलता है और बीच वाला हिस्सा यहाँ फटता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई सिलाई नहीं है। और ये आप बनाइए, और पेटीकोट बहुत ही सुंदर बहुत बढ़िया है। अब इसको सिलाई देखिए, ये इधर का भी तिरछा भाग और इधर का भी तिरछा भाग दोनों को जोड़ लिया जाएगा। इसी तरह से इधर के तिरछे भाग को और इधर के तिरछे भाग को ऐसे जोड़ लिया जाएगा। जोड़ने के बाद से फिर नेफा लगाया जाएगा। देखिए अब ये कली, इसमें कली जुट गया है, ये बीच में चौड़ी कली है, किनारे किनारे ये पतली कली है, और इसको हम तिरछा तिरछा भाग जोड़ दिया, इधर सीधा वाला भाग मेरा बचा हुआ है। अब इसमें हमको नेफा लगाना है। नेफा हमेशा जो है ये हमेशा जो है सीधे के उल्टे के तरफ से नेफा लगाएंगे या सीधे में मोड़ेंगे, तब हमारी बहुत सफाई आती है। नेफा लगाने का तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ। ये डोरी है हमारा, ये बगल से कपड़ा जो निकाले हैं ये डोरी है, और ये नेफे का कपड़ा है। अगर नेफे में थोड़ा सा कम पड़ता है, अगर मेरे पास कपड़ा नहीं है, इस डोरी वाले कपड़े में से थोड़ा सा मैं यहाँ जोड़ देती हूँ। ऐसे इधर से ये किनारी वाला भाग आगे निकाल के इसको थोड़ा जोड़ देंगे तो ये चौड़ा हो जाता है। तो एक इधर जोड़ देंगे, एक इस साइड में जोड़ देंगे, इस साइड में जोड़ देंगे, इतने में मेरा नेफा तैयार हो जाएगा। अब इसको देखिए, हमेशा जब भी हम नेफा लगाएंगे ये उल्टे की तरफ से। अब इसको हम के कहाँ क्या क्या करना है, ये पहले हम 3 इंच का ये सिलाई ऐसे मोड़ के कर लेंगे, 3 इंच से लिया जाएगा दोनों साइड से। अब उसके बाद से यहाँ से पकड़ के ये ऐसे पकड़ लिया जाएगा, और ये उल्टे के तरफ से हम इसको सिलना है, ऐसे खींच के सिलते चले आएंगे। इसको खींचा जाएगा थोड़ा, इसको खींच के सिलाई, इसको थोड़ा ढीला छोड़ा जाएगा और नेफे को खींचा जाएगा, और खींच के पूरी सिलाई कर लेंगे। तब उसके बाद से फिर हमको क्या करना, ऐसे पकड़ के और फिर इसको ऐसे मोड़ के, अब तब ये ऐसे सिलाई कर लिया। ये सीधे की तरफ से सिलाई जब आएगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और एक सिलाई यहाँ देंगे, इससे छोड़ के 4 सूट पर हम फिर यहाँ एक सिलाई देंगे। डबल सिलाई पेटीकोट में दिया जाता है। जब ये बन जाएगा तब ये नीचे का देखिए, इसमें ज़रा सा भी कटिंग निकलता नहीं है, ये इतना बढ़िया ये बैठ जाता है, ज़रा सा भी कटिंग कहीं से निकला नहीं है, बस थोड़ा सा कोने पर है तो मोड़ने में आ जाएगा। फिर हमको जितना जरूर इतना चौड़ा हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, और ऐसे रख के फिर ऐसे हम सिलते चले जाएंगे। ये मेरा पेटीकोट तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग भी बनाइए, और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताई हूँ पेटीकोट बनाना। और इसको बनाइए और पहन देखिए, इसमें घेरा बहुत ज़्यादा होता है और पेटीकोट बहुत अच्छा बनता है। और मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।